शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह साईं श्याम मस्ताना जी महाराज की पावन स्मृति में 3 दिवसीय निशुल्क 15वां यादे मुर्शीद विकलांगता निवारण शिविर शुरू हुआ। शिविर का शुभारंभ डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन डॉक्टर PR नैन सहित प्रतिबंधीय समिति के सदस्यों व हॉस्पिटल के चिकित्सकों तथा स्टाफ सदस्यों और साध संगत ने अरदास का शब्द बोलकर व दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा की इलाही नारा लगाकर किया। शिविर के पहले दिन मरीजों की जांच की जा रही है, जबकि शिविर के दूसरे व तीसरे दिन चयनित मरीजों को ऑपरेशन व शाह सतनाम जी स्पेशली हॉस्पिटल के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर में हड्डियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर के लिए जाएंगे। शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन सिरसा की ओर से आयोजित इस कैंप में चयनित मरीजों के ऑपरेशन से पूर्व की जांच व एक्सरे, ऑपरेशन, दवाइयां व कैलिपर आदि निशुल्क दिए जाएंगे। कैंप में PGI रोहतक के रिटायर्ड डॉक्टर डॉक्टर SS सागवान, मानसा से डॉक्टर पंकज शर्मा, हिसार से डॉक्टर संजय अरोड़ा और मानसा से डॉक्टर सीमा शर्मा, शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेदिका इंसा, डॉक्टर पुनीत इंसा, डॉक्टर शीनम, डॉक्टर सुशील आजाद व फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जसविंदर, डॉक्टर मनदीप व डॉक्टर नीता सहित अनेक चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर के शुभारंभ अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन डॉक्टर PR नैन ने कहा कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन प्रेरणा से यह कैंप लगाया गया है। डेरा सच्चा सौदा का इन कैंपों को लगाने का मुख्य उद्देश्य गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के RMO डॉक्टर गौरव अग्रवाल इंसा ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा लगाए गए इस शिविर में हड्डियों से संबंधित मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। यह मरीजों की हड्डी संबंधित रोगों की जांच के अलावा ऑपरेशन सहित दवाइयां फ्री में दी जाती हैं। यादव मुर्शिद विकलांगता निवारण कैंप लग रहा है, 15वां कैंप है और हर साल की तरह इस बार भी जितने भी डिफॉर्मिटी वाले बच्चे आएंगे या थोड़े बहुत बड़े भी होंगे और जिनका हो सकेगा जितना कि ऑपरेशन से या कैलिपर से या फिजियोथेरेपी वालों की हेल्प से हम उनकी कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट हो। जैसे कुछ मरीजों को तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है, वो ऑपरेशन के भी काबिल नहीं होते, तो उनको कैलिपर देंगे और उनको फिजियोथेरेपी वगैरह एक्सरसाइज जो होगा वो करेंगे। और कुछ मरीजों का जैसे डिफॉर्मिटी थोड़ी है या जिनको ऑपरेशन से फ़ायदा होगा, उनके मरीजों की बेहोशी की जाँच करके, खून की जाँच करके, मरीज अगर फिट है बिल्कुल तो उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे और ऑपरेशन के बाद उनको ज़रूरत पड़ी तो कैलिपर भी देंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, मतलब पूरा उनका फॉलोअप किया जाता है। ऐसे नहीं कि ऑपरेशन कर दिया छोड़ दिया, उनको बाद में भी 3 महीने पे बुलाना, 6 महीने पे बुलाना, हर कैंप में बुलाना, सब ये रेगुलर किया जाता है। ये कैंप जैसे 18 तारीख की आज ओपनिंग है, 19-20 को ऑपरेशन होंगे और बाद में भी कई बार बहुत ही ज़रूरतमंद हो या कोई मरीज जैसे बेहोशी के लिए फिट नहीं हुआ, कुछ मरीजों का फिर भी हम करते हैं लगभग 10-15 दिन तक। हमारे पास ज़्यादातर जो जन्म से मरीजों को दिक्कत होती है, सेरिब्रल पाल्सी होता है, कंजनाइटल टेलिप्स काइनो वायरस होता है, CTV जिसको बोलते हैं, इस तरह के बच्चे ज़्यादा आते हैं। हम उनको यही कहेंगे कि गुरुजी की रहमत से ये कैंप लगाया जा रहा है और इस कैंप का वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस उनको ज़रूर मिलेगी और जो उनका इलाज पॉसिबल हो सकेगा हम लोग ज़रूर करेंगे उनका। यहाँ पे चाहे ऑपरेशन है, चाहे कैलिपर है, चाहे फिजियोथेरेपी है, मरीज से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। बाहर तो इसका ऐसे ऑपरेशन का 15 से 20 हज़ार और 50 हज़ार तक भी आमतौर पर चार्जेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनेस के सेवादार ज़्यादातर सेवा में रहते हैं तो बहुत ही दिल से वो जैसे एक परिवार के सदस्य की सेवा करते हैं वैसे ही करते हैं। और हमारा स्टाफ भी जैसे ज़्यादातर ग्रीनेस का मेम्बर है और गुरुजी की रहमत से सब जुड़े हुए हैं तो बहुत ही तहे दिल से सब सेवा करते हैं। डॉक्टर यहाँ पे जैसे एक तो मैं हूँ डॉक्टर वेदिका, डॉक्टर पंकज शर्मा आ रहे हैं मानसा से, डॉक्टर संजय अरोड़ा हिसार से और डॉक्टर SS सांगवान आ रहे हैं सोनीपत से, जो पहले वहाँ पे डायरेक्टर भी रहे हैं PGI रोहतक में। जो
जी, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मानसा से, और मैं शुरू से ही 2008 से इस कैंप में सेवा करने का सतगुरु की रहमत से मौका मिल रहा है। तो इस कैंप में हम बेसिकली पहले तो ज़्यादा पोलियो के जो पेशेंट थे जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती थी बाहर, वो हम यहाँ जो जटिल से जटिल केस थे वो भी हम ऑपरेट करते थे। तो अब क्या है, टेक के टाइम के साथ पोलियो का जो है वॉल्यूम कम हो गया है, तो फिर पिताजी ने हमें आज्ञा दी कि आप जो डिसेबल्ड लोग हैं, सेरेब्रल पाल्सी है या कोई पुराने फ्रैक्चर्स के कारण डिसेबिलिटी है, उन चीज़ों को भी टैकल करें। तो अब के टाइम में हम पोलियो और साथ में सेरेब्रल पाल्सी, साथ में कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, ये सब को टैकल करते हैं। तो ओपीडी में पहले सबको देखा जाता है और फिर उनको स्क्रीन आउट करके हम उनको सेलेक्ट करते हैं किस तरह की सर्जरी करनी है, और फिर उनकी आगे आने वाले 3 से 5 दिन में सर्जरी की जाती है। तो हमने देखा है कि यहाँ ऐसे केस जो हम बाहर नहीं कर पाते ठीक से, हमें लगता रहा है कि ये इसमें शायद कोई कमी रह जाए या कुछ ना इसका बने, तो ऐसे केस भी सतगुरु की रहमत से यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। इसके बिना यहाँ पे हम जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उनको कैलिपर्स फ्री में देते हैं, और इसके बिना जिनके कोई लात या बाजू नकली लगी होती है उसको दोबारा से लगाना है या उसकी ख़राब हो गई उसको भी यहाँ से हम फ्री में लगाई जाती है। इस कैंप लगाने का ये उद्देश्य है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बाहर कोई अपने खर्चे पे सुविधा नहीं मिलती, या जो अपना इलाज नहीं करवा पाते किस गरीबी के कारण या अपने साधनों की कमी के कारण, तो उनको यहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जाए, उनके खाने का रहने का सब इंतजाम यहाँ डेरे की तरफ से होता है, और जितना भी ऑपरेशन है या कोई कैलिपर लगाना है वो सब फ्री में दिया जाता है। ये कैंप शुरू से ही बेपरवाह शाह मस्ताना जी की स्मृति में लगाया जाता है।